वेलकम टू माय चैनल एसके ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को विज्ञान, भौतिक विज्ञान कक्षा 12 की अध्याय आपके पास है चार संहिता परावर्तन। इसमें से पार्ट नंबर जो आपके पास है 12 है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आपके पास 46 लिखा हुआ है, तो जो आपको होमवर्क में किया था नहीं आया, हम इसको बता रहे हैं, इसे कंटिन्यू करेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी आपको सवाल लगाने में, आप लोग बहुत आसानी से इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। पहले हम इसको क्या करेंगे, इससे टोटल सी निकालेंगे। सी निकाल लेते हैं पहले। देखिए यहाँ पर ये दोनों किस्में हमारे पास समांतर क्रम में, तो इनको पहले जोड़ लेंगे सोल्यूशन में। 3 माइक्रोफेराड व 6 माइक्रोफेराड के 2 संधारित्र किसमें समांतर क्रम में जुड़े हैं, जिनकी तुल्य धारिता क्या है हमारे पास, सी डैश है। समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। सी डैश बराबर क्या रहेगा, 3 प्लस 6 बराबर रहेंगे 9 माइक्रोफेराड, ठीक। अब इसके बाद डायग्राम चेंज करेंगे, तो देखिए आप लोग को ने डायग्राम बना नहीं आया था, हम इसको ओरिजिनली यहाँ से हटा हटा कर बनाते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि डायग्राम बार बार बनाएंगे तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। आपको इसी में दिखाए थे, जगह थोड़ा कम है स्पेस की वजह से। अब देखिए, ये जब हट जाएगा तब यहाँ पर हमारे पास एक बन जाएगा, ये देखिए लग जाएगा कितने का, 9 माइक्रोफेराड का। अब 9 माइक्रोफेराड लगेगा, तो जिन 9 माइक्रोफेराड और 4 माइक्रोफेराड किसमें हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तब यहां लिखेंगे 4 माइक्रोफेराड व सी डैश के 2 संधारित्र किसमें हो जाएंगे हमारे पास, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिनकी तुल्य धारिता क्या है, सी डबल डैश है। अब श्रेणी क्रम में क्या हो जाता है, 1/5 C" बराबर 1/4 + 1/9। इसमें एलसीएम मिल जाएगा हमारे पास 9 × 4=36, 9 × 9 + 4 मुझे बताएंगे 13/36, तो सी डैश डबल डैश का माना जाएगा 36/13 माइक्रोफेराड। ये आपके पास आ गया 36/13 माइक्रोफेराड। अब देखिए इसके लिए अभी फिर से हटा देंगे, तो यहाँ पर ये दोनों फिर से एक नया डायग्राम आपको बनाना है बहुत आसान तरीके से, तो इसको फिर से हटाएंगे, तो ये यहाँ से हटा देंगे, तो ये अब यहाँ पे एक नया फिर से लगेगा, क्या लगेगा जी, ऐसे जी कितना हो जाएगा 36/13 माइक्रोफेराड। अब देखिए ये दोनों किसमें आ गए हमारे पास समांतर क्रम में, तो यहाँ लिखेंगे सी डबल डैश व 12 माइक्रोफेराड के 2 संधारित्र किसमें हमारे पास है समांतर क्रम में जुड़े, जिनकी तुल्य धारिता क्या है, सी डबल डैश। अब समांतर क्रम में सी डबल डैश बराबर समांतर क्रम में फिर जोड़ देंगे, तो जो रहेंगे हमारे पास 12 + 36/13, इसका स्पेस बड़ा हो जाएगा, तो जो रहेंगे 13 × 26 = 6, 13 × 13 = 15, 56 + 36/13। यहाँ पे इसको हल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 × 6 = 12। जी मतलब यहाँ पे बटे में ही लिखना है, इधर बराबर लगा क्योंकि जगह नहीं, ब्रैकेट कर देते हैं। 6 × 6 = 2, 5 × 8 = 9 और 1 = 192/13 माइक्रोफेराड। अब देखिए इसके लिए क्या एक नया डायग्राम फिर से बनेगा आपके, तो ये दोनों हट जाएंगे तो सब किसमें आ जाएंगे, श्रेणी क्रम में। यहाँ पे बना लेंगे जो हो जाएगा हमारे पास 192/13 माइक्रोफेराड और
इसकी वैल्यू लिख लेते हैं थोड़ा यहाँ से भूल गए, कह रहे कि ये 2 माइक्रोफेरेड और 1 माइक्रोफेरेड। ठीक, तो ये देखिए ये 2 माइक्रोफेरेड और ये 1 माइक्रोफेरेड। ठीक, ये 6 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, कितना बड़ा डायग्राम था कितना छोटा हो गया। अब इसको हल कर लेंगे। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, ये तीनों की स्पेस सीरीज में लिख लेंगे, 1 माइक्रोफेरेड व 2 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड कामा 2 माइक्रोफेरेड व 192/3 13 माइक्रोफेरेड। दो तीन संधारित इसमें श्रेणी क्रम में जुड़े हैं जिनकी तुल्यता क्या है, सी। क्यों तीनों हल कर लेंगे तो एक मिल जाएगी हमको। तो श्रेणी क्रम क्या होता है, 1/C = 1/1 + 1/2 + 1/192/13। तो जो जाएगा 1 + 1/2 + 13/192। अब देखिए इस पे 192 ही एलसीएम मिल जाएगा। अब 192 का मतलब हो जाएगा इसका 192 में गुणा हो जाएगा प्लस 2 से भाग कर देंगे, 2 9 18 2 6 12 प्लस के 13। इसको जोड़ देंगे, जोड़ने के साथ साथ आप क्या करेंगे, 6 3 9 9 2 11 1 10 10 10 9 19 19 और 1 20 0 8 2 और 1 3 2 1 32 92। ये 1/5 C का मान आ गया, हम C का मान चेंज कर रहेगा 192/301 माइक्रोफेरेड। जी हमारे टोटल सी मिल गया, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं इसके टोटल सी निकालने के बाद। नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और थोड़ी सी आप लोग कैलकुलेशन भी देखते जाइएगा, मैच चांस में भी रॉन्ग हो सकती है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। दोनों श्रेणी समांतर क्रम में ऐसे कर लेना, श्रेणी क्रम 36 13/36 इसको 13 192 समांतर क्रम में वैसे रहेगा श्रेणी क्रम में गलत। अब देखिए यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, सब पूरे को हटा देंगे, सिर्फ सी से मतलब है, हम सी निकाल लेंगे। तो इसको हम इरेज कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, बस थोड़ा सा बड़ा है, बड़ा स्पेस है क्योंकि आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, पेपर में आ गया तो बहुत आसान रहेगा, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा भी जा चुका है तो आप लोग टेंशन ना लें, कोई बात नहीं है। आपको देखिए यहाँ पे हमारे पास, आप यहाँ पे गिवन ने हमको वैल्यू दे दी, क्या दिए, सी बराबर 192/301 माइक्रोफेरेड दे दिया, वी दे दिया हमारे पास 6 वोल्ट। तब आवेश इससे निकालेंगे, आवेश Q बराबर होता है सी, Q बराबर क्या रहेगा, C का मान 192/301 × 6। अब इसका गुणा कर देंगे, 6 × 12 = 2, 6 × 9 = 54 और 6 × 6 = 6 5 11/392/301। ये हो गया Q का मान, आवेश क्या हो गया कूलम, हमें आवेश मिल गया। अब उसने क्या पूछा है, 1 माइक्रोफेरेड पर हमें संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर पूछा है, क्या पूछा है, तब यहां लिख लेंगे क्या, 1 माइक्रोफेरेड की संधारित्र पर विभवांतर। अब 1 माइक्रोफेरेड पर तो क्या हो जाएगा, क्यू बराबर हो जाएगा, सॉरी विभवांतर V बराबर Q/C।
यहाँ पे सी का मान 1 माइक्रोफेरेड रखेंगे, ठीक है, और इसी यहाँ पे खींच लेते हैं, तो वी बराबर आएगा क्यू का मान 1192 बटे 301 भाग करेंगे पड़ेगा तो 1192 बटे 301। अब 1192 का 301 में भाग कर देना है, उनको आंसर मिल जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, क्योंकि जब तक हम इसमें आवेश नहीं निकालेंगे हम दूसरा वोल्टेज नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे भाग कर लेते हैं, 301 मान लो ऐसे 1192 तीन बार चला जाएगा, 3 × 3 = 0, 3 × 9 तो 12 में 3 घटा देंगे 9 × 3 = 4, 2 बस 9 लगा देंगे 0, 24 हो जाएंगे, तो 8 × 3 = 24, 3 बार 3 × 3 = 0, 3 = 8, 8 × 0 = 24, 0 × 4 = 2, 9 काम खत्म, 0 लगा 0 फिर 3 × 9, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास V बराबर क्या हो जाएगा 3.83 वोल्ट, यही हमारा क्या है इसका आंसर है फाइनल। नोट कर लीजिए कर लीजिए कर लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है और बहुत ही सिंपल है, ये इसका आंसर आपके पास आ गया कैसे से, चलिए नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हो गया नोट कर लिए, तो क्वेश्चन नंबर अब आपके पास आने वाला है क्वेश्चन नंबर 47। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर आ गया 47, लिखा है संलग्न परिपथ में संधारित्र C की प्लेटों पर आवेश की गणना कीजिए। क्या करना है, संलग्न परिपथ में संधारित्र C की प्लेटों पर आवेश की गणना करना है। अब आपको आवेश पता करना है, आवेश निकाल लेते हैं, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी आपको, सोल्यूशन करते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जो बैटरी की है इससे बहुत सारे प्रतिरोध कनेक्टेड हो सकते हैं, तो इसका मतलब इस पर जो संधारित्र C है इस पर जो R1 है इसको कंसीडर हम नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि C पर ही में निकालना है, इसका मतलब उसको छोड़ दिया जाएगा, या लिखेंगे दिए गए क्यों क्यों छोड़ना है, दिए गए परिपथ, क्या दिए गए परिपथ में दृष्ट धारा, दृष्ट धारा बैटरी से प्रवाहित है, किससे, बैटरी से, जो दृष्ट धारा बैटरी से प्रवाहित है, प्रभावित है, अच्छा बैटरी से प्रवाहित है के लिए संधारित्र, के लिए संधारित्र, जैसे थोड़ी सी 2-3 लाइन लिखना है, संधारित्र अनंत प्रतिरोध लगाता है, संधारित्र अनंत प्रतिरोध अतः प्रतिरोध R1 अतः प्रतिरोध क्या हो जाएगा R1 क्या हो जाएगा प्रभावहीन हो जाएगा, क्या रहेगा प्रभाव ही होगा, मतलब इस पे कोई इफेक्ट कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा होगा तथा गणना में नहीं लिया जाएगा, गणना में नहीं लिया जाएगा, अब गणना में नहीं लिया जाएगा तब अतः आता बैटरी से प्रवाहित धारा ता बैटरी से प्रवाहित धारा I बराबर कैपिटल E अपॉन कैपिटल R2 प्लस का R, ये हो जाएगा हमारे पास प्रवाहित धारा इस पर,
ठीक। अब यहाँ पर हमारे पास ए व बी के बीच सिरों के बीच में विभवांतर क्या हो जाएगा, ए व बी के सिरों के बीच विभवांतर V बराबर हो जाएगा I इंटू में R, I इंटू में R की जगह पे R2, तो V बराबर क्या जाएगा I की जगह पे कैपिटल E R2 बटे कैपिटल R2 प्लस स्मॉल R, जी हमारे पास विभवांतर हो जाएगा। अब जब ऊपर विभवांतर जाएगा तो तब इसके आगे लिखेंगे, थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है ये, तब इसके आगे क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे अब जो वोल्टेज आया इसमें कोई वैल्यू नहीं दी, इस पे थोड़ा सा छिट कर, जो भी विभवांतर आएगा यही संधारित्र पर अप्लाई होगा, तो लिखेंगे यही विभवांतर, यही विभवांतर संधारित्र किस पर, संधारित्र के सिरों पर होगा, संधारित्र के सिरों पर होगा, कहां पर होगा, संधारित्र के सिरों पर होगा, क्योंकि R1 के सिरों पर कोई विभवांतर नहीं है, क्योंकि R1 के सिरों पर कोई विभवांतर नहीं, ये नहीं है, R1 के सिरों पर कोई विभवांतर नहीं है, तब तथा संधारित्र पर आवेश, सबको क्या बताना है, संधारित्र पर आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा, C इंटू में V, तो हो जाएगा Q बराबर C का मान वैसे रख देंगे C, और V की जगह रख देंगे C कैपिटल E R2 बटे कैपिटल R2 प्लस स्मॉल R2, यही हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर, ये हमारे पास अब मात्रा क्या हो जाएगा, कूलाम मात्रक बहुत जरूरी है लिखना, आपको नोट कर लीजिए, आपके पास आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 47 कंप्लीट हो गया। अब आगे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 48, चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 48 लिखा हुआ है, संलग्न परिपथ में प्रदर्शित परिपथ में यदि बिंदु B को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तथा बिंदु A को 1500 वोल्ट पर रखा जाए, तो बिंदु B पर विभव की गणना करना है, क्या करना है, बिंदु B पर विभव की, P पर विभव की गणना करना, इस पर वोल्टेज बताना है हमारे पास VP क्या होगा, तो पहले तो ये देखेंगे हमारे पास जो लोग इसमें श्रेणी क्रम में उनको जोड़ देंगे, यहां लिखेंगे सॉल्यूशन में 5 माइक्रोफेरड के दो संधारित्र, इसमें हमारे पास श्रेणी क्रम में जुड़े हैं जिनकी तुल्य धारिता C डैश है, श्रेणी क्रम फॉर्मूला क्या होता है, 1/5 + 1/5 = 2/5 C - 5/2 = 2.5 μF। अब इसको जब हल कर लेंगे तो ये दोनों को डायग्राम फिर से बना लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास ये 1 माइक्रोफेरड के बनेगा, हमने बताया है जब भी दो संधारित्र को हम सॉल्व करेंगे तो उसकी जगह पे एक लगा देंगे तो जीरो आएगा, वो लगा देंगे, अब जो दोनों किसी होकर समांतर क्रम में कर लेंगे C डैश व 1 माइक्रोफेरड के दो संधारित्र किसमें हमारे पास समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं जिनकी
सी डबल डैश है। अब समांतरकरण का फॉर्मूला क्या होता है, सी डबल डैश बराबर 2.5 प्लस का 1 बराबर कर जाएगा 3.5 माइक्रोफेरेड। जब हमारे पास समांतरकरण का आ गया तो इन दोनों को जब हल कर लेंगे तो एक और डायग्राम बन जाएगा हमारा ऐसे करके, बी ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा पी, 3.5 ये भी 3.5, ये दोनों कितने आ जाएंगे हमारे पास श्रेणी क्रम में, तब लिखेंगे सी डबल डैश 3.5 माइक्रोफेरेड के दो संधारित्र किसमें हमारे पास है श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तुल्यधारिता क्या हो जाएगी सी, क्योंकि इन दोनों के बाद सिर्फ एक मिलेगा तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है 1/c इक्वल टू 1/3.5 प्लस 1/3.5। इसमें डालेंगे ऊपर जीरो बन जाएगा तो 3.5 का बाद काम मिल जाएगा तो 1/c बराबर 3.5 इक्वल टू में 1 प्लस 1 तो 2 तो c बराबर क्या जाएगा 3.5 बाई 2। हम भाग कर देंगे c बराबर मिल जाएगा 1.75 आ जाएगा, तो कम 2 तो 14 तो बचे 10 माइक्रोफेरेड। जी हमको टोटल सी मिल गया, अब जब टोटल सी आ गया है तो इसके आगे हम वैल्यू निकाल लेंगे, तो इतना आप लोग नोट कीजिए, फिर इसके आगे आपको बताते हैं कि इसके आगे करना क्या है। दिल्ली से कुछ का स्पीड में नोट कर चुके होंगे तो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद अब देखिए तब लिखेंगे बिंदु बी, पृथ्वी से जुड़ा है बी बिंदु, पृथ्वी से जुड़ा है, इसे जुड़ा है पृथ्वी से जुड़ा है, तब हमारे पास क्या हो जाएगा वी ए माइनस वी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1500 माइनस जीरो बराबर क्या हो जाएगा 1500 वोल्ट। वी ए माइनस वी बी का जो वोल्टेज है कितना है 1500 है, तब हम आवेश निकालेंगे इससे कि बराबर क्या हो जाएगा सी वी ए माइनस वी बी, यहाँ पे जाएगा सी का मान कितना हो जाएगा 1.75 गुणा वी का मान 1500। ठीक, अब यहाँ पर 1500 यहाँ पे 1500 वोल्ट दे दिया यहाँ, ठीक, और जो सी का मान माइक्रोफेरेड में तो इसके 10 की पावर माइनस के 6 कर लेंगे कूलाम में आ जाएगा, जो जाएगा क्यू गुलाम मिल गया। अब इसके आगे हमें निकालना किस पे पी पर, तो यह अगर आ जाएगा वी ए माइनस वी पी बराबर तो क्या हो जाएगा क्यू अपान सी रख सकते हैं हम, ये हमारे पास फॉर्मूला है, तो जो सी का मान रखेंगे क्यू का मान है 1.75 गुणे 10 की सॉरी 1500 गुणे 10 की पावर माइनस के 6 बटे सी का मान 3.50 जैसे 75 दुगना होते हैं 350 तो जो हो जाएंगे 750। तो वी ए माइनस वी पी इक्वल टू में कितना हो जाएगा 750 गुणे 10 की पावर माइनस 6, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास वी ए माइनस वी पी इक्वल टू में, और क्यू से क्यू जो हमारे पास पावर से पावर भी कटेंगे 10 की पावर माइनस 6 से, यहाँ पावर हट जाएगा सिर्फ 750 वोल्ट बचेगा 750 वोल्ट। अब हमें वी पी चाहिए तो वी पी बराबर आ जाएगा वी ए का मान है 1500 माइनस 750 तो क्या हो जाएगा वी पी इक्वल टू में 750 वोल्ट। जी आपके पास इसका आंसर आ गया, जब वोल्टेज हमारा वी ए हमारे पास 1500 वी ए माइनस वी बी, वी बी का मान 0 तो वी ए का मान क्या हो जाएगा 1500 हो जाएगा, इसका मतलब क्योंकि बी हमारा पृथ्वी से कनेक्टेड है 0 पर है तो वी ए का मान यहाँ से हमने वी ए का मान जी वाला रखा है 1500 यहाँ पर, तो हमें वैल्यू मिल गई है यहाँ से ऐसे। ठीक है,
नोट कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर, जल्दी से, सॉरी 48 लिखा हुआ है, 49 आपको बताएंगे, जल्दी से क्विक फायर स्पीड में नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 49 लिखा हुआ है, 0.2 माइक्रोफेड धारिता के एक संधारित्र को 600 वोल्ट तक आवेशित किया गया है, ठीक, तो बैटरी हटाने के पश्चात इसे 1.0 माइक्रोफेड धारिता के संधारित्र के समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, तो संधारित्र का विभव 600 वोल्ट से बदलकर कितना हो जाएगा। देखिए बहुत आसान है, एक हमारे पास मान लिया हमने ऐसे एक छोटा सा डायग्राम बनेगा, कैसे, ये एक धारिता है, इस पर हमारे पास 0.2 माइक्रोफेरेट और यहाँ पर 1 माइक्रोफेरेट, ऐसे सपोज करो, ये थ्योरी का एग्जांपल पर, और इस पर वोल्टेज कितना है यहाँ से यहाँ तक 600 वोल्ट, ये दे दिया है। अब इसको हमें क्या करना है, तब जब 0.2 माइक्रोफेरेट पर संधारित्र पर आवेश निकालेंगे, संधारित्र के पास 600 वोल्ट है तो आवेश क्या होगा, तो यहाँ लिख लेंगे C का मान दे दिया 0.2 माइक्रोफेरेट और V दे दिया 600 वोल्ट, तब 0.2 माइक्रोफेरेट पर आवेश, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, CV, तो Q की जगह पर रख देंगे 0.2 गुणा 600, 6 दो नहीं 12.1, Q का मान 120 कूलाम, जी आपके पास आंसर आ गया, ठीक है, सॉरी माइक्रो कूलाम, माइक्रोम दिया है। अब हमें जब क्यू मिल गया, तब बैटरी जब हटा देंगे, क्या लिखेंगे, बैटरी हटा देने पर, क्या करेंगे, बैटरी को हटा देने पर हमें क्या मिलेगा, आवेश हमारे पास वही रहेगा, बैटरी हटा देने पर आवेश का मान, बैटरी हटा देने पर आवेश का जो मान है वही रहेगा, परंतु एक माइक्रोफेरेड से संधारित्र समांतर क्रम में, एक माइक्रोफेरेड से संधारित्र किसमें हो जाएगा, समांतर क्रम में जोड़ने से धारिता क्रम में जोड़ने से धारिता 1.2 माइक्रोफेरेड हो जाएगी, जब 1.2 माइक्रोफेरेड तब अताप परिणामी विभवांतर निकाल लेंगे, क्या अताप परिणामी, अब देखिए ये डायग्राम बना चुके होंगे, आप डायग्राम हम हटा देते हैं, अताप परिणामी विभवांतर गलत लिख दिया सॉरी, परिणामी विभवांतर क्या हो जाएगा, कुल आवेश बटे कुल धारिता, आवेश बटे कुल धारिता, कुल आवेश हमने निकाला कितना 120 माइक्रोफेरेड, फिर हमने कुल धारिता निकाली 1.2 माइक्रो कूलाम था, सॉरी गुणा 10 की पावर माइनस 6 कूलाम गुणा 10 की पावर माइनस के 6 फेरेड, 6 कट गया तो 0 डालेंगे 0 तो 12 ये हो जाएगा 100 कूलाम, 100 वोल्ट सॉरी, तो कितना हो जाएगा वोल्टेज हमारे पास, 100 वोल्ट तैयार हो जाएगा परिणामी विभवांतर V का मान, जी आपके पास हो गया आंसर, जी हो गया क्वेश्चन नंबर 49। तो आप लोग के लिए आज के लिए इतना ही रहेगा सेक्शन में, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताया जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग क्या कीजिए,
वेट कीजिए, और ज़्यादा से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो कल फिर मिलेंगे, बाय बाय, टाटा।